मैंने बनाया है दुनिया का सबसे जानलेवा ऑब्स्टिकल कोर्स और मेरा दोस्त मैक यहाँ इसे पूरा करने की कोशिश करेगा, वो भी 200 फीट नीचे गिरे बिना। जब भी तुम तैयार हो मैक, ये पहली जंप लगाने वाला है। ओ, ये सच में बहुत ऊंचाई पर है। देखो वो प्लेटफॉर्म कितना हिल रहा है, अभी हम सैकड़ों फीट हवा में है, जरा इसे देखो। और ये बस उन कई जानलेवा, दर्दनाक और पूरी तरह से पागल कर देने वाले ऑब्स्टिकल कोर्सेज में से पहला है जिनका मैक इस वीडियो में सामना करने वाला है। और अगर मैक आने वाले सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज पूरा करता है तो वो जीतेगा पूरे $800,000। वो भयानक लग रहा है, वो जो कर रहा है वो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, वो मुझे छूने ही वाला था। हो सकता है वो पहली लेवल भी पूरी ना कर पाए। और दो जंप्स। ओह माय गॉड, और अब ये लास्ट जंप, पता नहीं इतनी दूर कैसे कूदूंगा। और हाँ, मुझे उसे सबसे मुश्किल बनाना ही पड़ा, वहाँ 2 हैमर्स झूल रहे हैं और दूरी भी सबसे ज्यादा कर सकते है। पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं। मैक $800,000 दांव पर है। ये वीडियो छोटी बनने वाली है बॉयज, मुझे भी डर लग रहा है जबकि मैं स्टेबल प्लेटफॉर्म पर हूँ। अभी से सेलिब्रेट मत करो, ये उन 6 ऑब्स्टिकल्स में से सबसे आसान कोर्स था। चलो अगले वाले पर चलते हैं। वो इससे मुश्किल नहीं हो सकता। एक्चुअली हाँ, हो सकता है। मैक को उन सभी 6 ऑब्स्टिकल कोर्सेज को पूरा करना होगा अगर वो उन $800,000 को घर ले जाना चाहता है। मैक, क्या तुम तैयार हो? तुम्हारे सामने है वो 2 गेम्स जो हम बचपन में खेला करते थे, बैलेंस बीम और मंकी बार्स। तुम्हें बस दोनों में से एक को चुनकर यहाँ तक पहुँचना है। और हाँ, अपना हार्नेस उतार दो। नहीं, 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 अगर किसी भी वजह से वो इस ऑब्स्टिकल कोर्स में फेल होता है तो वो 100 फीट नीचे जाकर एक नेट पर गिरेगा, ठीक पहले कोर्स की तरह, और उसके 800,000 भी जल जाएंगे। जिमी, मुझे इतना मत डराओ, ये बस दूसरा ही ऑब्स्टिकल कोर्स है। तुम्हें क्या लगता है, पूरे $800,000 जीतना आसान होना चाहिए? एक बार उस पहले बार पर झूलने के बाद वो वापस नहीं जा पाएगा। देखते हैं वो मंकी बार से कैसे जाता है। ओ नहीं, $800,000 दांव पर है। 3, नीचे मत देखना, अब वो वापस नहीं जा सकता। 2, ओह माय गॉड, कम ऑन मैक, ओह मत गिरना, प्लीज मत गिरना, प्लीज मत गिरना। कर सकते हो, ठीक है, ये सबसे बड़ा वाला है, सबसे बड़ा है। ओह, ओह, वो यहाँ तक आ गया। ओह, ये कमाल का शॉट है, प्लीज गिरना मत, तुम बहुत करीब हो। ओह माय गॉड, क्या बात है। अब ये अगला लेवल आसान लग रहा होगा, पर मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हें बर्बाद कर सकता है। ये वाओ है लेवल 4, और भले ही ये कोर्स आसमान में नहीं है, जो ऑब्स्टिकल्स हम यहाँ देख रहे हैं, अरे बाप रे, इन्हें एक बार में पूरा करना करीब करीब नामुमकिन सी बात है। और इसीलिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं। बताओ मुझे, तुम इस नामुमकिन से लगने वाले ऑब्स्टिकल कोर्स पर कोशिश कर सकते हो, और अगर पानी में गिरते हो तो सब गवा दोगे। या फिर तुम पकड़ सकते हो मेरा फीस्टिबल्स चॉकलेट बार, और जब तक इसे गिराते नहीं तुम जितने चाहो अटेम्प्ट्स कर सकते हो। फीस्टिबल्स अच्छा प्लान लग रहा है, बस पानी में गिरने के बाद इस बार को छोड़ मत देना, इसमें गलत क्या होगा। शायद यहाँ पूरी रात रहना होगा, पर मैं रहना नहीं चाहता। और देखो, उसने लॉग रोल को पार भी कर लिया। ये क्या है, पता लगाने का एक ही तरीका है, कोशिश करके देखो। ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लग रहा ब्रो, वो गैप बहुत ही बड़ा है। ओ, 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 ये हो क्या रहा है मैक, तुम्हें इसके ऊपर जाना था। ओ, समझ गया। हाँ, होशियार हो। यस मैक, उसने कर दिखाया। मुझे फेस्टिवल्स बहुत पसंद हैं, और मैं अभी बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेने वाला हूँ। मैक, अब तुम्हारे और लेवल 5 के बीच में खड़े हैं ये नॉट बिग रेड बॉल्स। इनका ये नाम रखा है ताकि वाइप आउट केस ना कर दे। और ये बॉल्स बाकी सभी लेवल से इतने मुश्किल हैं कि हमने इन्हें टेस्ट करने के लिए और क्रिएटर्स को भी बुलाया था, और कह सकते हैं कि उन्होंने भी कुछ खास नहीं किया। मैं कभी नहीं मर सकता। उसने अभी अभी जो किया उसे भूल जाओ। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अगर तुम पिछले 3 लेवल्स को इन बॉल्स की वजह से बर्बाद नहीं करना चाहते तो फेस्टिवल्स बार को पकड़े रखना। गुड लक। 3, 2, 1। यस, नहीं। अब लिटरली मैक घंटों से बार बार नीचे गिरता ही रहा। ओ हाँ, फिर से गिर गया।
इसे पार करने में और 4 दिन लगेंगे। और चाहे उसने जितनी भी कोशिश की, वो उस तीसरे बॉल तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। हम इतनी देर से यहाँ पर हैं कि सूरज भी लिटरली उगने ही वाला है। तुम इसमें माहिर हो, तुम कर सकते हो। पकड़े रखो, उस बार को मत गिराना। नहीं, मैं इसे नहीं गिराऊंगा। उसने कर दिखाया, बटन दबाने के बाद ही बार को छोड़ना। क्या बात है! Oh my God! और अब वक्त है उस फाइनल चैलेंज का। एक बार फिर से मैट की आंखों पर पट्टी है, पर शोर से समझ आ गया होगा कि हम फिर से एक बार अभी हम टॉप पर पहुंच गए हैं। बस कुछ और कदम, कुछ और कदम। अब अपनी पट्टी उतारो और देखो तुम्हारा फाइनल चैलेंज। ये है अब तक का इस पूरे के पूरे वीडियो का सबसे मुश्किलों से भरा ऑब्स्टिकल कोर्स। ओह यार, ये तो सच में पागलपन है यार। मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा अगर तुम इसे देखकर डर रहे हो तो, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है, सिर्फ इस वीडियो में ही नहीं बल्कि बाकी वीडियोस में भी, जिसमें थे स्पाइडर्स, डूबना, फोल्डर्स, लेजर्स और हाँ, कुकीज भी। चलो करते हैं। शुरू करने के लिए यहाँ है ये 2 ट्रैपीज़ बार्स और फिर एक येलो प्लेटफॉर्म। ये या तो पूरा करके खत्म होगा या तुम्हारे नीचे गिरने के बाद। ये कमाल का होने वाला है। ठीक है, ये वो चला। वो पहुंच गया। ये आ गया और आसान होने वाला है ना। हाँ, बस नीचे मत देखना। मेरे कहते ही उसने नीचे देख लिया। ये मैं चला। ओह क्या बात है। ओ मैं, क्या मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को भी लेकर आया हूँ? वो तुम्हें नीचे से देख रहे हैं। कम ऑन मैक, तुम ये कर सकते हो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इस अगले ऑब्स्टिकल को मैं कहता हूँ द वॉल ऑफ डेथ। अच्छा नाम रखा है। अरे यार, इसे हमने प्लानिंग से बनाया है। वो ऊपर या नीचे से जा सकता है या फिर सीधे वहां पर जा सकता है। और अगर आप भूल गए हो, जरा कैमरा नीचे करो, हम अब भी 200 फीट हवा में हैं। ओह माय गॉड, ये पागलपन है। ओ, अपना हाथ मत हटाओ। ओ, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें डर लग रहा है? बस देखकर ही हाथों में पसीना आ रहा है। यस मॉम, आप ठीक हैं? ओ, मेरे हाथ बहुत थक चुके हैं। तुम्हारा नसीब अच्छा है कि तुम लगभग आधा कोर्स पार कर चुके हो, और बची हुई सभी लेवल्स के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ेगी। ये ऑब्स्टिकल इस पर निर्भर करता है कि तुम सर्कल कब छोड़ते हो। बेसिकली अगर पहले छोड़ दिया तो तुम गिर जाओगे। मैक, तुम हाथों को बहुत ज्यादा हिला रहे हो, तुम्हें स्ट्रेंथ बचा के रखनी चाहिए। तुम तो जानते ही होगे कि सबसे मुश्किल हिस्सा अब तक आया नहीं है। अब ये बड़े झूलते हैमर्स, ये सच में विशाल है। और मैं देख रहा हूँ तुमने बैलेंस बीम को भी लाया है। अगर ये इसे लगते हैं तो मुमकिन है कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या लगता है क्या कर रहा हूँ? सर संभालो। ये बहुत ही डरावना होने वाला है। वाओ, अब तुम लेवल 6 के फाइनल पार्ट में हो। वहाँ कैसे जाना होगा? बस कूद जाओ। वहाँ और कैसे जा सकते हैं? और हर एक जंप के बाद वो और ज्यादा दूर होती जाएगी। इसे और मुश्किल करने के लिए मैंने पक्का किया कि हर एक जंप के बाद वो बाकी कुकीज और छोटी होती जाएंगी, और उनके बीच में होगी सिर्फ ये ट्रैपीज बार और पूरे 200 फीट की एक लंबी ऊंचाई। तुम कर सकते हो मैक, तुम कर सकते हो। 4 जंप्स, देखते हैं मैक अमीर बनता है या नहीं। 3, 2, 1 ये तो वहीं पर खत्म होने वाला था। ये बहुत डरावना था। एक गया, अब और 3 बाकी हैं। आप देख सकते हैं कि ये बार मैक की पहुंच से बहुत दूर है, तो उसे कूदना ही होगा, और अगर वो उसे पकड़ नहीं पाता तो गेम ओवर और तुम्हें खाली हाथ घर जाना होगा, जो कि शर्म की बात होगी। ओके, वो 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 ज्यादा ही झूल रहा है। ज्यादा देर तक मत झूलो मैक, तुम्हें अम्ब्रेला के लिए अपनी स्ट्रेंथ बचानी होगी।
वो यस यस ठीक है, हम फाइनल जंप पर हैं, जो कि पिछली जंप से दुगनी दूरी पर है, जो कि बैक की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है, वो अम्ब्रेला। करो या मरो, या तो वो 8 लाख जीतेगा या कहानी यही खत्म, और इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ है, घर पर बैठा हर कोई तुम्हारे साथ है। मुझे डर लग रहा है। लगता है ओ वो कूदने वाला है, ओ वो कूद गया। माय गॉड, वो स्थिति से बहुत ही दूर है, मैं ये नहीं देख सकता। मुझे डर लग रहा है। तुमने फाइनली कर दिखाया, ये पहली बार अपने जीते हुए पैसों को उठा रहा है। देखो तो वो कितने खुश है। Oh, I love you guys. Back. 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 Back.